बिहार की राजधानी पटना में नए कृषि कानून के खिलाफ आज तमाम किसान संगठनों ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का ऐलान कर मार्च शुरू किया। इस मार्च में भारी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस बीच आंदोलनकारियों को राजभवन की तरफ बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल कृषि कानून के विरोध में राज्य के विभिन्न कोनों से आए किसानों ने पटना की सड़कों पर मार्च किया। किसानों का मार्च गांधी मैदान से निकलकर राजभवन की ओर बढ़ने लगा। मार्च जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें राजभवन की ओर जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद भगदड़ मच गई। भाग रहे किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई किसानों ने गलियों में घुसकर जान बचाई। कई महिला किसान सड़कों पर ही गिर गईं। आपको बता दें, दिल्ली की सीमा पर एक महीने से ज्यादा समय से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को या तो रद्द कर दिया जाए या फिर संशोधन किया जाए। न्यूज़ डेस्क।